पढ़ा था, मैं स्लोक के बारे में स्टार्ट किया था, मैं स्लोक के बारे में अगले 5 मिनट में बताऊंगा हम सब क्या पढ़ाया था, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्लोक में देखिए बेटा, अगर मेरे को दो पॉइंट दे बेटा, ax1, y1 और bx2, y2, अगर मेरे को कोई लाइन जो ए और बी दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, अगर मेरे को उसका स्लोप चाहिए तो बोलिए बेटा क्या होता है स्लोप प्राप्त होगी y2 - y1 / x2 - यानी कि जो लाइन मान लो कि दो पॉइंट से पास आउट हो रही है वो जो x एक्सिस के साथ कितना
ऑलरेडी वैसे स्थिति से देखेंगे तो हो जाएगा ठीक है। तो बात करते हैं पहले तो क्या हो गया बस जाके बोलिए क्लियर। अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं m = tan 40 हो गया और tan 45 40 कितना होता है स्लोप आगे तो आ गया। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं m = tan 45 तो tan 35 के लिए बोलूं कितना है सेकंड क्वार्टर के लिए माइनस कर रहे हैं तो कितना कम है हमारे इसे 45 tan 45 ऊपर तो स्लोप को माइनस करना है बात नहीं है तो वहाँ पे y = something आएगा, इतने भी distance की होगा तो y = k हो गया ना,
और मैं कह दूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी पैरेलल है, तो वहाँ पे क्या हो गया एक्स पैरेलल, एक्स इक्वल टू शून्य आएगा। बस समझ में आ रही है बोलिए, ठीक है छोटा सी बात है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बता दूँ मुझे छोटी बातें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब देखिए मैं बोला ही बता रहा हूँ जो ओरिजिन के पास होती है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन के पास होती है वो किस फॉर्म में होती है लाइन, तो देखिए भैया ओरिजिन के पास होने वाली लाइन कैसी हो सकती है, इस तरह की लाइन कैसे जा सकती है, चाहे कैसे ओरिजिन के पास कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएंगे, कोई बात नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मैंने माने को कितने का माना, तो एक पॉइंट हमें पता है और जीरो को माना जीरो, अरे तो पता ही आपको जीरो को मान जीरो, अच्छा एक बेटा जीरो पर दुनिया में पॉइंट है एक्स को मान वाई को पॉइंट मान लो, अरे बोलो क्या क्या बच्चों के पास होता है कि अगर मैं ये पास हूँ चीज में इसका स्लोप क्या है, स्लोप बताओ मैं अगर एंगल थीटा बना दिया
परसेंट फॉर्म की टाइप होगी, देख रहा हूँ पहले इसका कुछ बताऊंगा। कोई लाइन जो वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट बना ली उसने सी वाई प्लस सी इंटरसेप्ट बना ली, ठीक है समझा गया। और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में सिक्सर एंगल बना ली थीटा, क्या बना लिया है यानी कि आपको इंटरसेप्ट दे दिया और क्या दे दिया स्लोप दे दिया, टेन प्लस स्लोप होता है स्लोप इंटरसेप्ट हो गई यानी कि अगर एक आपको इंटरसेप्ट दे दे क्या देते बेटा इंटरसेप्ट और क्या देते स्लोप आई
अच्छा अगर आपको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। पहली बार बैठे नहीं क्या नहीं है खड़ा हो खड़ा हो स्लोप का कुछ पता स्लोप कैसे निकालते हैं पता नहीं खड़ा हो कब क्या पड़ गया एक नोटिस दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं।
यही बात क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट वाई फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, इस लाइन का
स्लो पता चल जाए तो मैं पॉइंट टेंशन फॉर्म कर सॉरी स्लो टेंशन फॉर्म से कर दूंगा बोलो देखिएगा। अब ये क्वेश्चन का पेंड बोल रहा है मैंने इसका स्लोप मान लिया है क्या मान लिया स्लोप मान लिया बेटा क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ इसका अगर मैं स्लोप की बात करूँ स्लोप एम वन इसका स्लोप बोलो क्या है 1-3 -1 -2y -5 2y ये इसका स्लोप आया इन्हें तो इसका स्लोप चाहिए ना अब जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो हम स्लोप में क्या करते दे दिया स्लोप दे दिया इक्वेशन बताओ
पॉइंट लिखिए माइनस फोर कोमा थ्री, माइनस फोर कोमा थ्री, स्लोप दे दिया आपको 1/3। मेरा इक्वेशन बताओ, खा जाएगा क्या सर? इसका स्लोप निकाल लेंगे और फिर उनको उनका मल्टीप्लाई करके माइनस।
देखिए मैं स्लोप की बात करूं, ए बी के स्लोप की, बोलो बेटा क्या आया? 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2, बोलो बेटा एक बटा नौ पाँच आ गया। अब अगर मेरे को उसका स्लोप चाहिए, मैं एम वन मान लो, एम वन मान लो, बोलो क्या बच्चों की बात करो, इसका स्लोप, इसका स्लोप का प्रोडक्ट बोल क्या है? माइनस वन बाई फाइव, और ये एम वन ऊपर से माइनस वन, तो एम वन बोल कितना गया, इसका स्लोप आगे का प्लस करना। अब मेरे को स्लोप पता चल गया भाई, पॉइंट पता चल गया, क्वेश्चन का स्लोप पता है, पॉइंट पता चला। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, क्वेश्चन पता, तो पॉइंट
2 points, यानी कि इसमें इस फॉर्म में क्या होगा, देखो सबसे पहले इस फॉर्म में बनाई थी मैंने, बताइए मेरे बच्चों, बच्चों,
आपके क्वेश्चन बोलना फटाफट क्वेश्चन करके एन टू कॉमा माइनस टू ए टू कॉमा लास्ट क्वेश्चन से बात करो ए टू कॉमा माइनस टू बी वन कॉमा वन ए टू कॉमा माइनस टू बी वन कॉमा वन सी माइनस वन कॉमा जीरो सी माइनस वन जीरो बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल वर्टिसेस एंड एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फाइंड द इक्वेशन ऑफ एडी एडी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वेदर ट्रायंगल बना दो एबीसी की इक्वेशन फाइंड आउट करो तो वहां से एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो बीसी की बनती है देखिए पॉइंट निकाले मेरे को क्या पता भाई सब कुछ मैं ही चेक करो कि निकाल ले एडी की इक्वेशन निकाल दी है जो बच्चे करके दिखाई दे उनका पढ़ने की नहीं है कल जब नहीं दिया नहीं हो गई फटाफट करो बेटा ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो क्या लग रहा ये ए थी ए के पॉइंट आपको पता है टू कॉमा माइनस टू अगर मेरे को उसका स्लोप पता चल जाए तो वो काम बन जाएगा बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म से कर दूंगा मैं आप देखो वैसे इतना ही काफी है स्लोप स्लोप निकाल दो ए वैसे निकाल दो हाँ बात बेटा ये बात ये इस पर कमेंट कर देना तब मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने किया है नहीं किया है।